आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि अगर तीन वेक्टर इन्वॉल्व्ड है तो उससे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लेते हैं हमारे पास तीन वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तब जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी पहले वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाकी दोनों वेक्टर्स के आपस के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, दिस विल गिव अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से देख सकते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर है और b क्रॉस c, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का b का और c का, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो क्या हुआ, a का क्रॉस प्रोडक्ट और एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि b क्रॉस c के बराबर है। मान लें अगर d है, d इक्वल टू बी क्रॉस सी है, तब क्या हो गया ए क्रॉस डी, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का है तब ये ऑब्वियसली क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन क्या होगा इस वेक्टर का, मान लें कि E इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स A क्रॉस B क्रॉस C, दैट इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। तब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, यानी E इज अ वेक्टर which is perpendicular to the plane containing A and B cross C. यानी उसका मतलब हो गया दैट इज इन द सेम प्लेन एज बी एंड सी। और ये इसलिए होगा क्योंकि ई क्या है, ई इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड द प्लेन बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी हमारा क्या है, डी है, यानी ई इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू डी, और डी चूंकि B क्रॉस C से बनता है, यानी D परपेंडिकुलर है B के और C के,
D is perpendicular to B and C. तो यहां से देख सकते हैं E perpendicular to D है और D perpendicular to B और C है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि E जिस प्लेन में होगा E will be in the same plane as vectors B and C. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि A cross B cross C is not equal to A cross B cross C. यानी कहने का मतलब है द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव. हम लोगों ने अभी देखा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या डायरेक्शन होगा, दैट विल बी इन द सेम प्लेन एज बी क्रॉस सी. यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इन द सेम प्लेन एज बी एंड सी, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इन द सेम प्लेन एज ए एंड बी. The same plane as A and B. तो obviously ये दोनों का जो direction होगा वो अलग होगा, और इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि these two vectors are not equal. That is, they are not associative. अब हम लोग देखेंगे the वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स. मान लिया हमारे पास तीन वेक्टर है, ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप. तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, और बी क्रॉस सी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई एंड सी जेड. तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड k
के कैप क्रॉस, अब यहां से क्या हो जाएगा, आई कैप बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस जे कैप डी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस के कैप बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, जहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तब क्या करना होगा, अब एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और इस पूरे बी क्रॉस सी जो कि कंपोनेंट फॉर्म में हम लोगों ने निकाल लिए हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप एक्स ए वाई ए जेड और बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड और बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। तब इसको अगर हम सॉल्व करें तब क्या मिलता है देखते हैं। जब यह हो जाएगा आई कैप एक्स आई कैप ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस जे कैप Az By Cz minus Bz Cy minus Ax Bx Cy minus By Cx plus k कैप एक्स बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। तो इसको हम लोग अंदर वाले जो टर्म है उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे थोड़ा और देखेंगे, इज इक्वल टू आई कैप ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स
Cz plus j cap az by cz minus az bz cy minus ax bx cy plus ax by cx and the last one plus k cap ax bz cx minus ax bx cz minus ay by cz plus ay bz cy. अब इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले ब्रैकेट में ax bx cx को जोड़ेंगे और घटाएंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट में ay by cy को जोड़ेंगे और घटाएंगे, और तीसरे वाले ब्रैकेट में az bz cz को जोड़ेंगे और घटाएंगे. तो इतना करने पर क्या आता है देखते हैं. एक ही चीज़ अगर जोड़े या घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसमें ax bx cx जोड़ दिए और घटा भी दिए, ax bx cx प्लस ax bx cx माइनस ax bx cx, इसमें प्लस ay by cy माइनस ay by cy और इसमें प्लस az bz cz माइनस az bz cz. अब हम लोग देखते हैं ये कितना आता है. इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं तब देखिए i कैप यहाँ पर से हम लोग जो कि प्लस में है उसमें से bx को कॉमन लेंगे, तो bx कॉमन लिए तो आया यहाँ से ax cx ay by ay cy और az cz, यानी ax cx प्लस ay cy प्लस az cz और यहाँ से माइनस cx अगर कॉमन ले तब कितना आएगा, यहाँ से ax bx, यहाँ से ay by और यहाँ से az bz, यानी cx कॉमन लिए तब आया ax bx प्लस ay by प्लस az bz. ये हमारा पहला टर्म हो गया. ठीक उसी तरह प्लस j कैप इस वाले से हम लोग क्या लेंगे, by कॉमन लेंगे, तो by कॉमन लीजिए और अंदर में आएगा by अगर कॉमन लेंगे जो जो प्लस में है ax cx फिर ay cy और az cz, तो ax cx प्लस ay cy प्लस az cz और माइनस फिर यहाँ से cy कॉमन लेंगे, तो cy कॉमन लेने पर देखिएगा आएगा
एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इतना हो गया। और आखिरी वाला प्लस के कैप, इसमें हम लोग लेंगे बी जेड कॉमन, तब अंदर में आ जाएगा एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, माइनस सी जेड कॉमन लें, सी जेड अगर कॉमन लेंगे तब आएगा यहां से एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इतना हो गया। अब देखिए आई कैप एक्स सी एक्स ए वाई सी वाई ए जेड सी जेड और ये बी एक्स है, और यहां पर एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड और ये सी एक्स है। तो पहले वाले में अगर हम एक सी एक्स ए वाई सी वाई ए जेड सी जेड को कॉमन लेते हैं, ये सभी में है, जहां जहां प्लस हो रहा है सभी में है, तब कितना हो जाएगा एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, ये कॉमन ले लीजिए, तब कितना आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और यहां माइनस में एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड को कॉमन लेंगे, यानी माइनस एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये कॉमन हो गया। और अंदर में क्या बचा, यहां से देख सकते हैं सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप, लिख दीजिए सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तब यहां से हम देख सकते हैं एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड सी, क्योंकि ए और सी करेंगे और ए का कंपोनेंट एक्स प्लस आई एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से ए है यानी कंपोनेंट हो गया एक्स ए वाई ए जेड, ठीक उसी तरह से सी का कंपोनेंट है सी एक्स सी वाई सी जेड, तब ए डॉट सी जो होगा दैट इज इक्वल टू ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, ये हो गया। और बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये कितने के बराबर है, ये वेक्टर बी के बराबर है, और माइनस यहाँ से ये कितना हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, और सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ये आपके वेक्टर सी के बराबर है। यानी हम लोगों ने जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किया ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो कितने के बराबर आया, दैट इज इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस
बी क्रॉस सी। तब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा दैट इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू माइनस, अब इसका लिखिए वैल्यू, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी ये हो गया माइनस और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी ए सी डॉट बी माइनस बी सी डॉट ए। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां से भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हम लोगों ने आज देखा ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।